इंग्लिश में अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आप लोग अच्छे अच्छे जॉब के लिए क्वालिफिकेशन हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोग को इंग्लिश में अच्छे नंबर्स कम से कम मिनिमम 30% लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखते रहिए पूरा लास्ट तक। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को थोड़ा लंबा होने वाला इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए फटाफट। अगर इस चैनल पर पहली बार है तो वीडियो के नीचे अगर लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है तो उसे जल्दी से दबा दें। दबाने के बाद बगल में एक छोटा सा इस तरह से घंटी भी आएगा, उसे भी दबा दें। इससे क्या होगा, जो भी मैं बिहार बोर्ड से रिलेटेड बड़ी छोटी जो भी अपडेट आता है सबसे पहले इस चैनल पर लाते रहता हूँ। साथ ही साथ एग्ज़ाम से पहले 10th के छात्रों को VVI कोचन, साथ ही साथ यहाँ पे हर एग्ज़ाम के बाद यहाँ पे आंसर की भी लाते रहता हूँ। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जो कि केवल यहाँ पे ग्रामर को अभी जो सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बुक से जो 30 क्वेश्चन पूछा गया है उसका मैं भी सोल्यूशन लाऊंगा अगला पार्ट में, लेकिन फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे केवल ग्रामर को सोल्यूशन करने वाला हूँ जो कि 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पर और देख लेते हैं कैसा ग्रामर पूछा गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा जा रहा है जो है यहाँ पे एक्टिव में दिया हुआ है, पैसिव यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है कि सी गेव मी ए गिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे गेव मी ए गिफ्ट है, इसका बनाना एक्टिव से पैसिव। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा सी वाज गिवेन ए गिफ्ट बाई हिम। क्या हो जाएगा, सी वाज गिवेन ए गिफ्ट बाई हिम, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 32 पे जाते हैं। तो यहाँ पे बताएगा कि एक्टिव वॉइस में यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ही वाज स्कॉटेड बाई द टीचर, क्या हो जाएगा, स्कॉटेड बाई द टीचर, इसका यहाँ पे एक्टिव निकालना है, ठीक है। तो एक्टिव इसका क्या हो जाएगा, इसका हम लोग निकालेंगे तो 32 का यहाँ पे आंसर होने वाला जो कि ए हो जाएगा, द टीचर स्कॉटेड हिम, क्या हो जाएगा, द टीचर स्कॉटेड हिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम अब 33 पे आते हैं। तो 33 यहाँ पे पूछा गया है कि एक्टिव वॉइस द गार्डेनर हैज बीन द वाटरेड बाई द गार्डेनर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33 का यहाँ पे आंसर होने वाला है जो कि सी हो जाएगा। क्या है सी में, द गार्डेनर हैज बीन वास्टेड द गार्डन, ठीक है, वास्टेड द गार्डन हो जाएगा यहाँ पे 33। 34 पे आते हैं। तो जो कि यहाँ पे पूछता है, जो कि यहाँ बताएगा कि चॉइस योर डायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे नरेशन की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नरेशन यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सोनक सेड द सन राइज इन द ईस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 34 का आंसर ए होने वाला है। इसका अगर सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा सोनक सेड डेट द सन एराइज इन द ईस्ट, क्या हो जाएगा, सोनक सेड डेट सन एराइज इन द ईस्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। तो 35 जो कि इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे बताया जाएगा नवीन से टू मी आई एम योर फ्रेंड, ठीक है। तो इसका 35 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि नवीन टेल मी डेट बी माई फ्रेंड, क्या हो जाएगा, डेट ही इज माई फ्रेंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे आते हैं 36 पे। 36 बोला जा रहा है कि आई से टू हर आई एम गुड प्लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 36 का यहाँ पे जो कि आंसर होने वाला है वो डी। डी में यहाँ पे बताया गया है कि आई टोल्ड हर डेट आई वॉज ए गुड प्लेयर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 37 पे। तो यहाँ पे 37 जो कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें क्या भर्ब को चुनना, ठीक है, जो कि बहुत ईजी है। यहाँ पे बताया जाए कि ईयरली टू बी टू बेड और यहाँ पे भी ईयरली टू राइज, ठीक है। यहाँ पे डॉट डॉट ए मैन हेल्दी वेल्थी एंड वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे चार ऑप्शन है, मेक है, मेड है, मेक्स है, मेकिंग है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, 37 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी, जो कि क्या हो जाएगा, मेक्स हो जाएगा, ठीक है, मेक्स हो जाएगा। 38 बोला जा रहा है कि नाइदर फूड नो नोर वेदर वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार में आंसर इसको होने वाला जो कि ए हो जाएगा, वाज हो जाएगा, वाज गिवन, ठीक है। यहाँ पे भी थ्री के साथ क्या होता है, वाज बेयर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे जो कि पूछा जा रहा है कि यहाँ पे डॉट डॉट योर हर, क्या पूछा जा रहा है, योर हर हिम, ठीक है। इसका आंसर क्या होने वाला है, 39 का सी हो जाएगा, जो कि डीड हो जाएगा, डीड योर हर हिम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आते हैं 40 पे। तो 40 जो कि पूछा जा रहा है, यहाँ पे सुटेबल प्रीपोजिशन को चुनना है, ठीक है। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, 40 का जो आंसर होने वाला है कंप्लीट, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हर कंप्लीमेंटेड हर, ठीक है, यहाँ पे डॉट डॉट न्यू ड्रेस, ठीक है। तो इसके साथ क्या लगने वाला आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके नीचे बताना वीडियो के नीचे कि क्या होगा आंसर। अब हम लोग आते हैं 41 पे। तो यहाँ बोला जा रहा है कि ए फ्रॉग वाज वॉन्ड फाउंड द वेल, क्या हो जाएगा आंसर इसका, 41 का आंसर होने वाला जो कि बी, बी में क्या है, इनटू इनटू द बॉल, ठीक है, इनटू यहाँ पे बनाएगा। क्वेश्चन हम 42 पे आते हैं। तो आई एम एलवेज डॉट डॉट योर सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 42 का आंसर जो कि सी हो जाएगा, एट हो जाएगा, एट योर सर्विस।
लेकिन इस पे डाउट है, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या है, सही है कि नहीं है। ठीक है, 43 से 45 के बीच करेक्ट स्पेलिंग को चुनना है, जो कि बहुत ही ईजी है। तो हम लोग आते हैं 43 से लेकर 45 के बीच में। तो यहाँ पे जो 43 जो हो उसका आंसर होने वाला है, जो कि क्या हो जाएगा, 43 का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 44 का डी हो जाएगा, पोल्यूशन, जो कि आप लोगों को साफ साफ यहाँ पे पता लग रहा होगा। ठीक है, 45 जो इसका आंसर होने वाला है वो हो जाएगा सी। सी में क्या पूछा जा रहा है? असिस्टेंस। असिस्टेंस का जो रियल मीनिंग होता है यही होता है। ठीक है, 45 के बाद 46 पे आते हैं। तो यहाँ पे 46 क्वेश्चन नंबर जो पूछा जा रहा है कि वह कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसका रियल ट्रांसलेशन आप लोग को बनाना होगा, तो ट्रांसलेशन आप लोग को बहुत ही ईजी होगा। ठीक है, तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 आंसर होने में जो कि डी, ही कैन नॉट गो टू गो एनी वेयर। ठीक है, एनी वेयर। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है क्या कैन नॉट के साथ यहाँ पे एनी वेयर साथ में लगेगा या अलग अलग लगेगा, लेकिन इसका आंसर डी होने वाला है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। यहाँ पे पूछा जा रहा है 47, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप वहाँ कितनी देर रहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो कि होने वाला है 47 का, यहाँ पे ए हो जाएगा। यहाँ पे ए हो जाएगा, हाउ मच विल योर स्टे दे, क्या हो जाएगा, स्टे देयर। ठीक है, वह वहाँ कितना देर रहेंगे। ठीक है, 48 पे आते हैं। तो 48 बोला जा रहा है, वह यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लड़का तुमसे मिलने आया था वह बहुत ही गरीब है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 48 का आंसर जो कि डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी में? क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि द बॉय हु हैड कम्स टू सी यू और वॉज वेरी पुअर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग होते हैं 49 पे। 49 बोला जा रहा है कि एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 49 का आंसर बी हो जाएगा। बी में जो कि बताया गया है यहाँ पे कि एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग तो आते हैं लास्ट जो कि 50 है, मैं अपना काम आप ही करता हूँ। ठीक है, तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई कैन डू माई वर्क हिमसेल्फ। ठीक, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ए हम लोग अभी यहाँ पे ग्रामर को केवल सोल्व किए हैं, अगला पार्ट में मैं लाने जा रहा हूँ जो जिसका जो यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछा गया है जो कि बुक से, उसी का सोल्यूशन लाने वाला हूँ। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो के नीचे अगर लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा है तो जल्दी से दबा दें और बेल आइकन को भी दबा दें। इससे क्या होगा ना कि अगला पार्ट लाऊंगा तो नोटिफिकेशन मिलेगा, साथ ही साथ VBI क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ सोशल साइंस का और सभी सब्जेक्ट का, और बिहार बोर्ड से रिलेटेड बड़ी छोटी अपडेट भी वीडियो लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।